आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है assertion, waves produced by a motorboat sailing in water are both longitudinal and transverse in nature. Reason, the longitudinal and transverse waves cannot be produced simultaneously. और ये नीचे ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही है जो हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो पहले assertion देखते हैं, इसमें कहा है कि waves produced by a motorboat sailing in water are both longitudinal and transverse in nature. तो ये तो true है, ठीक है, क्योंकि ये statement true इसलिए है क्योंकि अगर हम एक boat sketch करते हैं सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक बोट है और ये वाटर में सेल कर रहा है, ठीक है, ऐसे सेल कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसके चारों तरफ पानी है, ये पानी है, ठीक है। तो जब ये आगे जाएगा तो इसका प्रोपेलर जो है ये वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक है, तो पुश करेगा, तो वाटर को अगर ऐसे पुश करता है तो यहाँ पे फिर कौन सा वेव जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होगा क्योंकि वाटर को पुश करेगा तो वाटर का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, और चूँकि पुशिंग फोर्स इधर है तो जो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस होंगे, जो ऑसिलेशंस ऑफ होंगे वेव के, वो इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन जाएगा यहाँ पे। प्लस ये जब बोट आगे जा रहा है सम वेलोसिटी से तो ये वाटर में को लिटरली कट कर रहा है, मतलब इस तरफ पुश नहीं कर रहा वाटर को, इधर या इधर, ठीक है ना, पर एक शियरिंग फोर्स लगा रहा है वाटर लेयर के ऊपर, ठीक है, इस डायरेक्शन में शियरिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये शियरिंग फोर्स है, ये शियरिंग फोर्स है, तो इसके वजह से ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट होगा जो इस तरफ स्प्रेड करेगा, ठीक है, और इस तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही वेव इसमें प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एल से डिनोट कर दिया और यहाँ पे ट्रांसवर्स, यहाँ पे ट्रांसवर्स, ठीक है, साइड में। तो assertion तो ट्रू स्टेटमेंट है, रीजन कह रहा है द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, तो ये तो ऑब्वियसली फॉल्स है क्योंकि अभी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया assertion में, बोट वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बन रहे हैं और ट्रांसवर्स भी बन रहे हैं साइड में, ठीक है ना, तो ये रीज़न जो है ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, दे कैन बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन टू में कह रहा है ये बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, तो ये नहीं होगा। थर्ड में कह रहा है इफ़ assertion इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन थ्री को हम चूज़ करेंगे, यही हमारा करेक्ट चॉइस है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।